शिक्षकों को अभी बहुत जल्द हमारा कोशिश है इस मंथ के आखिरी में बड़े पैमाने में लगभग 25,000 शिक्षकों की बहाली करने की हमारी तैयारी है और सभी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रतिनियुक्त किया जाएगा। हमारा कुछ प्रयास कभी नियम कानून बना ही नहीं, कभी बहाली वाली कर कोई ना नियमावली बना शिक्षक बहाली का ना किसी भी बहाली का। कुछ लोग सिर्फ मंचों में भाषण देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा, हमारी सामाजिक ताना बाना की सुरक्षा, आज बाबा बंसीधर को हम लोगों ने राजकीय महोत्सव घोषित किया। ये कोई पहला काम नहीं है कि हम अपने धार्मिक स्थलों के संरक्षण में लगे, लेकिन 20 साल में क्या इन लोगों ने हमारे ना पर्यटन को ध्यान में रखा ना हमारे धार्मिक स्थलों के विषय में बहुत चिंता की। और क्या चिंता की वो आपके समक्ष है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने रांची के तपोवन में 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अभी हमारे वहां जमशेदपुर के रास्ते में देवड़ी मंदिर पड़ता है, वहां पर 7 करोड़ की योजना बनके तैयार है, उसका भी आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पर्यटक लोग उस सर्किट के माध्यम से बड़ी तेजी से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। हमारे इधर इटखोरी राजकीय महोत्सव मनाया जाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा, अनेक ऐसे हमारे राज्य में धार्मिक स्थल है जिन पर हम लोग उनको और कैसे बेहतर और प्रसिद्ध उसको प्रसिद्धि दिलाई जा सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस राज को आमतौर पर लोग खनिज संपदा के ही नाम से लोग जानता है कि झारखंड में कोयला, लोहा, पत्थर, बालू, गिट्टी यही सब मिलता है। हम लोगों ने उस परंपरा के समानांतर सोच रखते हुए इस राज में पर्यटन को बढ़ावा देने का एक मजबूत प्रयास किया है, चाहे वो यहां के धार्मिक स्थल हो, चाहे यहां सौंदर्य मनोरम दृश्य हो, उन सब को बढ़ावा देने का हम लोगों ने अभी तेजी से काम किया है और इस पर बहुत जल्द आपको ये देखने को भी मिलेगा। आज तो ये पहला अवसर है इस सरकारी कार्यक्रम का आयोजन का, लेकिन ये सारे कार्यक्रम दिन ब दिन इसकी जो भाव्यता है वो आपको बदलते हुए दिखेगा। और हम कई योजनाओं के विषय में अभी हम कह सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि समय अवधि को देखकर हम रुकना चाहते हैं।